हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन द कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। आप पढ़ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिसोड फॉर NEET 2023। बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड चल रहा है, आपने लगातार देखा एपिसोड नंबर 1, 2, 3, 4 आया, ये एपिसोड नंबर आपका 5 है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स में डिफरेंस क्या होता है। कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद द नीड्स। देखिए, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ये आप जो देखेंगे ये एनसीईआरटी का टेबल नंबर आप देखेंगे तो 4.1 है। ये टेबल नंबर एनसीईआरटी का 4.1 है, जिसमें से आप देखेंगे कि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में क्या डिफरेंस है। देखिए, कॉर्डेट्स का मतलब क्या हो, जिसमें क्या हो, नोटोकॉर्ड पर जॉइंट हो, क्या हो, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। जबकि नॉन कॉर्डेट्स में क्या होगा, नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, नोटो कॉर्ड इज एब्सेंट। देखिए, कुछ लोगों को नोटो कॉर्ड में समझने में प्रॉब्लम हो रही है। नोटो कॉर्ड का मतलब है जस्ट लाइक आपका स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रेट है, आपका जो पीछे का हिस्सा है, आगे वेंट्रल होता है, पीछे डोर्सल होता है, तो डोर्सल का हिस्सा जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, दिस इज द नोटो कॉर्ड। यानी कि कॉर्डेट्स वो होते हैं जिनके पास नोटो कॉर्ड होते हैं, और नॉन कॉर्डेट्स वो होते हैं जिनके पास नोटो कॉर्ड नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा देखेंगे कॉर्डेट्स में क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं CNS। ये क्या होंगे, हॉलो होंगे, डोर्सल होंगे, डोर्सल होंगे, डोर्सल होंगे, हॉलो होंगे, और क्या होंगे, और सिंगल होंगे, और सिंगल होंगे। जबकि इसमें आप देखेंगे क्या, इसमें देखेंगे आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आसान है। इसमें आपने देखा क्या, डोर्सल देखा तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेंट्रल हो जाएगा, है ना। आपने यहाँ देखा हॉलो तो वहां क्या हो जाएगा, उन लोगों में सॉलिड हो जाएगा। आपने यहाँ देखा सिंगल तो यहाँ क्या हो जाएगा, डबल। कितना आसान था, है ना। तो काफी आसान कॉन्सेप्ट है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स याद करने का। पहला आपने देखा जिसमें कॉर्डेट नोटोकॉर्ड होगा, दूसरा आपने देखा कि सीएनएस डोर्सल होगा, हॉलो होगा, सिंगल होगा। देखिए, डोर्सल और वेंट्रल में कुछ अंतर नहीं है, आपकी जो सामने की पोर्शन है जो आप आगे से देख पा रहे हैं, दिस इज द वेंट्रल। अब आपका जो बैक पोर्शन है, जो पीछे का एरिया है, दिस इज द डोर्सल। तो डोंट कंफ्यूज वेंट्रल डोर्सल, इंटीरियर ऊपर वाला, पोस्टेरियर बाइलेटरल, ये पोर्शन हुआ, ठीक है। अभी आप इतना समझिए कि आपके पास जितना वक्त है उस वक्त में आप नोटोकॉर्ड और नॉन कॉर्डेट्स, नोटो कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स से आप एक्सप्लेन कर पाए, याद कर पाए। तो दो पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप देखेंगे कि जो इसमें हर्ट जो होता है ना, इसका वेंट्रल होगा, यहाँ हर्ट क्या होगा, वेंट्रल होगा। जबकि इसमें जो हर्ट देखेंगे वो क्या होगा, डोर्सल होगा, हर्ट इज डोर्सल होगा, हर्ट जो होगा इसमें डोर्सल होगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि फैरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल्स, इसका जो फैरिंग्स होगा, फैरिंग्स इज परफोरेटेड बाय, इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, गिल स्लिट। इसमें जो फायरिंग्स होगा वो परफोरेटेड होंगे किससे, गिल स्लिट से होंगे, ठीक है। जबकि इसमें आप देखेंगे क्या होगा कि इसमें गिल्स होगा ही नहीं होगा, इसमें क्या होगा, गिल्स आर एब्सेंट, किसमें, नॉन कॉर्डेट में, है ना। तो एनसीईआरटी का चार डिफरेंट है, एक डिफरेंस और लिखता है एनसीईआरटी, पोस्ट एनल पार्ट इज प्रेजेंट। इसका जो पोस्ट होगा, पोस्ट एनल पार्ट, एनल पार्ट को एनसीईआरटी लिखता है टेल, है ना, टेल, इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट। जबकि इसमें क्या देखेंगे, पोस्ट एनल पार्ट इज एब्सेंट, पोस्ट एनल पार्ट इज क्या होगा, एब्सेंट होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंपैरिजन याद हो गया होगा, किसमें, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स में। तो एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूं मैं। देखिए, कॉर्डेट्स में आपने देखा क्या, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होगा, डोर्सल होगा, हॉलो होगा और सिंगल होगा। आप जान चुके हैं कि डोर्सल क्या होता है, वेंट्रल क्या होता है। आपने इसमें देखा कि हार्ट जो होगा हमारा वेंट्रल होगा, बिल्कुल सही। देखिए, जैसे आप कॉर्डेट्स की बात करें ना, आप खुद को देखेंगे, आप खुद में अपने आप में क्या है, अपन लोग सारे कॉर्डेट्स ही तो हैं, हायर कैटेगरी के एनिमल्स हैं, तो अपन लोग क्या है, कॉर्डेट्स हैं।
इसमें आप देखेंगे फायरिंग्स जो होगा परफोरेटेड बाय गिल्सिस, इसके जो फायरिंग्स में जो फायरिंग्स जो होगा आपने को पता है ना लैरिंग्स होता है, फायरिंग्स होता है बर्ड्स में, सिरिंग्स होता है। तो मैं यहाँ तो फायरिंग्स की बात कर रहे हैं, तो फायरिंग्स में क्या होगा बहुत सारे गिल स्लिट्स देखेंगे, जबकि आप नॉन कॉर्डेट्स में किसी प्रकार का कोई गिल स्लिट नहीं होगा, ठीक है। पोस्ट एनल टेल क्या होगा इसमें प्रेजेंट होगा कॉर्डेट्स में, जबकि उसमें क्या है अब्सेंट है। तो आई होप आपने देखा कि कंपैरिजन बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। इसके अलावा हमारे एनसीईआरटी में इसी में हम लोग देखेंगे, आई होप आप याद कर लिए होंगे, तो नोट डाउन कर लिए फटाक से, ओके। तो आपने वो नोट कर ही लिया, अब आपके पास यहाँ पे भर्ती बराटा, भर्ती बराटा में आप देखेंगे कि इसमें एनसीईआरटी जो लिखा है एक नाथा और दूसरा है ग्नेथोस्टोमाटा। एक नाथा का मतलब जिसके पास क्या हो जॉ नहीं हो, जबड़ नहीं हो। देखिए इस पर जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ये आपसे कभी नहीं पूछेगा कि एक नाथा में क्या है, आपसे पूछे बजेगा कि साइक्लोस्टोमाटा में एग्जाम्पल कौन है, एग्जाम्पल आप देख लीजिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है साइक्लोस्टोमाटा। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं आपको एग्जाम्पल अभी इस सारा बोर्ड पर कर पाऊँ, आपके एनसीईआरटी बुक में साइक्लोस्टोमाटा का एग्जाम्पल है, प्लीज आप देख लेंगे, ठीक है। तो जॉ इसमें नहीं हो, एग्जाम्पल साइक्लोस्टोमाटा है, साइक्लोस्टोमाटा में कौन कौन आता है वो आप याद कर लेंगे। ग्नेथोस्टोमाटा का मतलब इसमें जॉ हो, मतलब जबड़ा जिसमें हो, अब इसमें आता है सुपर क्लास, कहता है सुपर क्लास। सुपर क्लास में आप देखेंगे पाइसेस आता है, उसका टेट्रापोड आता है। पाइसेस को बोलते हैं फिश, क्या बोलते हैं पाइसेस को फिश बोलते हैं, पाइसेस को फिश बोलते हैं। तो इसमें हालांकि इसके लिए तो यही आता ही है, इसमें आप देखेंगे कॉन्डिचाइटस ओस्टिचाइटस, तो कॉन्डिचाइटस का आप एग्जांपल क्या करेंगे याद कर लेंगे, ओस्टिचाइटस का आप एग्जांपल याद कर लेंगे। उसी प्रकार आप टेट्रापोडा का एग्जांपल याद रखेंगे, बियर लिम्ब इसमें लिम्स होगा, लिम्स मतलब अरे आपको लिम्स पता है ना, फोर लिम्ब हिंड लिम्ब, ये हमारा अपर क्या है लिम्स ही तो है, ये आपका हैंड लिम्स है, ये आपका फोर लिम्स है ना, ये आपका हैंड नहीं ये आपका फोर लिम्स है, और पैर क्या है आपका हिंड लिम्स है। तो लिम्स आपको पता ही है, तो आप एम्फीबिया में आपको पता ही है कि फ्रॉक्स वगैरह आएगा, रेप्टिलिया आपको पता है कि रेप्टिलिया में रेप्टाइल्स रेंगने वाला आएगा, एप्स आपको पता है एप्स में कौन आएगा बर्ड्स आएगा, एप्स में बर्ड्स आएगा मैमल्स आएगा आपको। तो आई होप हमारा एक यूनिट आज खत्म हो गया है, हमने रिविजन आपको करा दिया है, आप क्या करें बातों को अच्छे से समझें, याद करें, रिमेम्बर करें, ऑल आर क्लियर कॉन्सेप्ट। प्लीज एनसीईआरटी लगातार पढ़ते रहें, चूंकि लास्ट मोमेंट में आपको एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनती है, तो बता पढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।